आज हम लोग कहीं तो जा रहे हैं, चलिए देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। सोचे कि आपको थोड़ा सा बिहार का टूर करवा देते हैं। आप लोग सब कोई बैठ गए? हाँ, बैठ गए। यस। हम लोग अभी निकल चुके हैं समस्तीपुर से और यहाँ से तकरीबन 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है पटना। तो पूरी परिवार के साथ निकले हैं और पटना में हम लोग फैमिली गेट टुगेदर के लिए जा रहे हैं, मामा जी लोगों से मिलने के लिए। तो सब लोग मिलेंगे वहाँ पे और एंजॉय करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस लॉकडाउन में हम लोग पटना कैसे जा रहे हैं, वो भी कार से पूरी फैमिली। एक्चुअली ये वीडियो होली के टाइम का है, जिस टाइम हम लोग दिल्ली से यहाँ आए थे बिहार। तो उस समय हम लोग होली के ठीक नेक्स्ट डे पटना गए थे मामा जी से मिलने के लिए। इस टाइम तो हम लोग भी लॉकडाउन में हैं और घर पे ही रह रहे हैं, स्टे होम स्टे से। अगर हमें कोरोना से बचना है तो घर में ही रहना है, लेकिन हमारे पास ये फुटेज पड़ा हुआ था तो सोचा आप लोग साथ शेयर कर दूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। अच्छा, और हम लोग यहाँ पे पेड़ा ले रहे हैं, ये देखिए बहुत ही टेस्टी पेड़ा है। आपने कभी ट्राई किया है पेड़ा? कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। तो चलते हैं आगे। सराय रंजन और यहाँ का पेड़ा बहुत ही फेमस है, हम लोग टेस्ट कर चुके हैं और हमारे थ्रू मुझे लगता है आप लोग भी टेस्ट कर चुके होंगे। पेरा मांग रहा है, पेरा अंदर पैक है। बताइए ड्राइवर को ड्राइव करना चाहिए कि पेरा खाना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। बताइए और होली का वीडियो तो आप सभी ने देख लिया होगा, किस तरह मेरे ऊपर मिर्ची वाला बेसन लगाया गया। आप बताइए तो बदला लेना है ना मुझे? बाकी है बदला मेरा, पेरा कर देगा पेरा पर। अच्छा लगता है ना, चारों तरफ देखिए कितनी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, हरे भरे खेत लहलाते हुए बहुत अच्छा लगता है। इधर भी देखिए, अब मम्मी बोलेगी आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ये मेरा बहुत ही नटखट का नैया है जो हमेशा मेरे साथ मजाक करते रहता है। देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे अनाज रखा जाता है, छोटे छोटे रखा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? उसका में अनाज भर के गेहूं लोग रख देता है। क्या बोलते हैं इसको? उसका थी उसकार बोलते हैं। उसकार क्या बोलते हैं? उसकार बोलते हैं। भूसकार इसको बोलते हैं। भूसकार भूसा रखा जाता है। अच्छा, इसमें भूसा रखा जाता है तो हम तो इसे भूसकार कहते हैं। आप सभी क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मेरा काना फिर बोला। मकई का खेत है, देखिए हम लोग मकई का खेत। गांधी सेतुओं के नहीं जा रहे हैं और नए वाले दिग्गा पुल से जाएंगे।
चलिए नया पुल देखते हैं। और गर्मियों का मौसम आ रहा है और फलों के राजा आम का सीजन वो भी आ रहा है। पेड़ों में आप देख सकते हैं बहुत सारे मोजर जो आम का फूल होता है वो निकल चुका है, पूरा पेड़ लगा हुआ है, मतलब इधर बहुत सारे आम खाने को मिलने वाले हैं। और जो मैंगो लवर्स हैं उनके लिए तो बाहर आने वाला है। मैं भी हूँ। और पीछे जो पेंटिंग हमने देखी वो मधुबनी पेंटिंग थी, जो पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी है। ये कौन से पुल पे हम लोग चल रहे हैं? हम लोग पटिका पुल पर चल रहे हैं। अभी जो नया पुल बना है, अब तो पुराना हो गया है, अभी पहले एक सिर्फ गांधी सेतु हुआ करता था नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को मिलाने के लिए, अभी ये दिग्घा पुल बना है जो बढ़िया है। नदी में भी ज्यादा पानी तो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत दिखाई देगा, हम लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए पानी बहुत कम है, मगर एक बार तो बोला जा ही सकता है हर हर गंगे। इस पुल को दो लेयर में बनाया गया है, ऊपर ट्रांसपोर्ट के लिए है, जो कारें चल रही हैं, बाइक्स चल रही हैं, बट जस्ट इसके नीचे ट्रेन के लिए है, ट्रैक बने हुए हैं तो ट्रेन रन करती है नीचे से। हम लोग 12 बजे पहुंच गए पटना, और पटना में हमारे तीन भाई रहते हैं। देखिए यहाँ सबसे बड़े भाई लाल बाबू, मैं नाम मुझसे छोटे लाल बाबू, इनका ओरिजिनल नाम नहीं जानते, मैं तो बचपन का नाम जानता हूँ लाल बाबू। ये लाल बाबू, ये फूल बाबू, देखिए फूल की तरह बिल्कुल दिख रहा है, और ये राजा बाबू, राजा की तरह बैठे हुए हैं। और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, फैमिली गैदरिंग हो रही है, और पापा जी और मामा जी उधर बुजुर्ग लोग अकेले में मजे कर रहे हैं। और क्या क्या बन रहा है? नाश्ता दे रहे हैं। ये देखिए टेस्टी वाला दही बड़ा हमारी छोटी सी देवरानी लगा रही है, ये बहुत ही प्यारी है। क्या नाम है बताइए आपका? रंजू। तो मैं आपसे मिलवा दी। और ये देखिए पूरा बहुत मेहनत कर रही है, ये लगी हुई है हमारी खातिरदारी में, और बच्चे यहाँ पे हैं। क्या क्या हो रहा है बच्चा पार्टी? और आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका अपना नाम बताइए। और आप अपना नाम बताइए। सुधा। वेदिका, दोस्ती होगी दीदी से? हाँ। खेलो। और हम लोग आ चुके हैं मामा जी के घर में, और ये घर वो होता है जहाँ पे सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, मामा जी के घर में। और ये देखिए मैं थोड़ी सी टूर आपको करवा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर बाहर पोखर है, और मैं अभी बालकनी में हूँ। बाहर अच्छा पोखर है, पीछे पोखर है ना इधर, बहुत अच्छा है। और हम लोग शाम तक अपने घर समस्तीपुर पहुंच गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ में इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिए। और अभी कोरोना से बचने के लिए घर में रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। ओके बाय।